वेल टाइम आ गया है। डीजल को बाय कैसा भी करके अब बाय बाय करिए। मैं आपको ये बहुत नम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट से करूंगा। डीजल इंजन अभी बहुत जल्द ही हिस्ट्री बनने वाले हैं और इट्स वेरी हार्ड फॉर एवरी डीजल लवर्स बट इट्स वेरी ट्रू आल्सो कि आपको डीजल इंजन अभी और नहीं दिखेंगे। एंड रीजन इज वेरी सिंपल, ग्लोबली एंड इन इंडिया यूरो 7 BS7 नॉर्म्स आर गोइंग टू इंप्लीमेंट बाय 2025। ईवी गाड़ियां क्या पोल्यूशन नहीं करती है? डेफिनेटली करती है, लेकिन ईवी का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। नमस्ते मोटरिस्ट, दिस वीडियो इज अबाउट एमिशन नॉर्म्स और यदि आपको पता है एमिशन नॉर्म्स में क्या चल रहा है तो यू कैन स्किप द वीडियो और यदि आपको हल्का सा भी डाउट है वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। BS7 और यूरो 7 नॉर्म्स में क्या एक्स्ट्रा आ रहा है। अभी तक जितने भी नॉर्म्स है दे आर मीन्ट फॉर पेट्रोल और डीजल, ईवी का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ईवी गाड़ियां क्या पॉल्यूशन नहीं करती है? डेफिनेटली करती है। व्हाइल ड्राइविंग ईवी क्या पोल्यूशन नहीं करती है? जब आप चार्जिंग करते हो बैटरी हीट होती है, क्या उस टाइम पे पोल्यूशन नहीं होता है? होता है। कार ऑन रोड चल रही है तब क्या पोल्यूशन नहीं कर रही है? टेल पाइप एमिशन नहीं है उसके अंदर, लेकिन पार्टिकुलेट एमिशन तो है, लाइक एयर वियर तो है ना उसके अंदर, तो उससे भी तो पोल्यूशन होगा। तो उसी को कर्ब करने के लिए BS7 में एक स्पेसिफिक सेगमेंट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी। तो अभी BS7 नॉर्म्स में कोई नहीं बचेगा, हाइब्रिड कार तक नहीं बचेंगी एंड ईवी भी नहीं बचेगी। और यदि आप ईवी का प्लान कर रहे हो लेने के लिए तो रुक जाओ। इस वीडियो में हम सभी साइड से बात करेंगे, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड एनवायरनमेंट की तरफ से एंड कंज्यूमर की तरफ से भी, कि आपको जो ये नॉर्म्स आ रहे हैं उससे क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है। कि वीडियो बहुत सिलेजिबल रहेगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। सिर्फ अनुरोध है यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को डिवाइड किया है मैंने चार पार्ट में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। जीरो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एमिशन नॉर्म्स की स्टार्टिंग कहां हुई पार्ट 1 में। पार्ट 2 व्हाट आर द BS7 नॉर्म्स, अंदर क्या नया आने वाला है। और पार्ट 3 में मैन्युफैक्चरर साइड से उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और BS7 और यूरो 7 नॉर्म्स का एनवायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ये पार्ट 3 में हम कंक्लूड करेंगे। एंड लास्ट पार्ट रहेगा फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, आपकी पॉकेट पर कितना ज्यादा का फटका लगने वाला है। इसके साथ साथ हम पार्ट 4 में ये भी कंक्लूड करेंगे कि क्या सेकंड हैंड मार्केट पर भी असर आएगा इसका, और आएगा तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नॉर्म्स की रिक्वायरमेंट पड़ी इसलिए कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करना था। मिशन स्टैंडर्ड्स ने के लिए इन्वेंट किया गया कि क्या क्या वर्ल्ड वाइड हम बेटर कर सकते हैं, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, एयर क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो ये नॉर्म्स एग्जिस्टेंस में आए एंड धीरे धीरे हर स्टेज के साथ ये थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, थोड़े से ज़्यादा रिजिड होते जा रहे हैं। कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी पहले उसको जानते हैं। यूरो नॉर्म्स से पहले अमेरिकन नॉर्म्स आ गए थे एंड 1960 अमेरिका के अंदर फर्स्ट टाइम एमिशन नॉर्म्स रोल आउट हुए थे। उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने उसको अडॉप्ट किया एंड उसके बाद हमने इंडियन नॉर्म्स में अडॉप्ट किया, जिसको हम BS नॉर्म्स बोल रहे हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे यूरो नॉर्म्स की, क्योंकि BS नॉर्म्स रेप्लिका है यूरो नॉर्म्स की। यूरो 6 अभी करंटली यूरोपियन मार्केट में चल रहा है एंड यूरो 7 विल बी लाइकली टू इंट्रोड्यूस बाय 2025। पर्पस वही था कि एनवायरनमेंट को थोड़ा सा क्लीनर रखना है, जो टेल पाइप एमिशंस हैं, नॉक्स एमिशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए। बिगनिंग हुई थी इस जर्नी की इन यूरोपियन नॉर्म्स की 1992 से। यूरो 1 स्टैंडर्ड्स आए थे 1992 में अक्रॉस यूरोप कंटिनेंट। का मेन फोकस था कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स के एमिशंस को कंट्रोल्ड किया जाए। ये नॉर्म्स 4 साल मार्केट में रहे। 1996 के अंदर यूरो 2 नॉर्म्स आ गए थे, जिसमें अगेन वही कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और हाइड्रोकार्बन्स के एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए और थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाई थी। एंड ये नॉर्म्स भी फिर 4 साल रहे। 2000 के अंदर यूरो 3 नॉर्म्स आ गए थे, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन हुआ था लिमिट्स ऑन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जिसको हम नॉक्स बोलते हैं, एंड पार्टिकुलेट मैटर, जिसको हम PM के नाम से जानते हैं। तो इनको कंट्रोलिंग करने के लिए सबसे पहले नॉर्म्स आए थे 2000 में
यूरो 3 नॉर्म्स. आफ्टर 5 ईयर्स यूरो 4 नॉर्म्स केम इनटू एग्जिस्टेंस. अगेन ज्यादा टाइट हुए, ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए नॉक्स और पीएम एमिशंस के लिए. यूरो 5 नॉर्म्स आ गए थे 2009 के अंदर और ज्यादा स्ट्रिक्टनेस आ गई थी नॉक्स और पीएम एमिशंस को लेकर. इन 2014 यूरो 6 स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट कर दिए गए थे, फर्दर रिड्यूसिंग नॉक्स एंड पीएम एमिशन. ये तो हुई बात यूरो नॉर्म्स की. व्हाट अबाउट बीएस नॉर्म्स? बेसिकली बीएस नॉर्म्स यहां पर स्टार्ट हुए थे 2000 से पहले. इससे पहले बीएसईएस होता था, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड. भारत स्टेज नॉर्म्स इंस्पायर्ड हैं यूरो नॉर्म्स से. बीएस 1 का इंट्रोडक्शन हुआ था 2000 के अंदर. इन 2001 बीएस 2 नॉर्म्स को इंप्लीमेंट कर दिया गया था आफ्टर 1 ईयर. एंड 2005 के अंदर यहां पर बीएस 3 नॉर्म्स इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट कर दिए गए थे, जो सबसे ज्यादा चले हैं इंडिया में. इन 2010 बीएस 4 नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और वो फिर बाद में बाई 2017 नेशन वाइज इंप्लीमेंट कर दिए गए थे. लेकिन इन 2010 वो 13 मेजर सिटी में इंप्लीमेंट किए गए थे, लाइक दिल्ली एंड मुंबई वगैरह. 2020 इंडिया के अंदर बीएस 6 नॉर्म्स का वाला स्टार्ट हो चुका था. एंड फिर हमने लास्ट ईयर इसको देखा बीएस 6 फेज 2 नॉर्म्स. एंड 2025 वी आर गोइंग टू वेलकम बीएस 7 नॉर्म्स. एंड ये नॉर्म्स यूरो 6 से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे. रियल टाइम एमिशन पर यूरो 7 और बीएस 7 पर ज़्यादा फोकस किया गया है, इसलिए डीजल इंजन का फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट नहीं है. बीएस 7 नॉर्म्स मोर स्ट्रिक्ट देन एग्जिस्टिंग वन. इसके अंदर नए फीचर्स या नई चीज़ें बहुत सारी इंट्रोड्यूस की गई हैं. ऑन बोर्ड मॉनिटरिंग होगी, OBM यहाँ पर आ जाएगा. एक और चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है, एक्सटेंडेड कंप्लायंस पीरियड, विच मीन्स व्हीकल जो नए बन के आएंगे वो कंप्लाई करेंगे एमिशन स्टैंडर्ड के साथ फॉर 200,000 किलोमीटर और 10 ईयर्स. यानी 10 साल तक आपकी गाड़ी उन्हीं नॉर्म्स पर खरा उतरेगी जो एज ए नई आई है. यदि आप बी एस 7 नॉर्म्स को एग्जिस्टिंग बी एस 6 फेज 2 नॉर्म्स से कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो परमिशेबल लेवल है NOx और PM का और अदर पोल्यूटेंट का, उसके ऊपर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन आ गया है. जैसे कि अभी आपने फॉर एग्जांपल अभी आपकी एग्जिस्टिंग डीजल कार है, उसके अंदर नॉक्स फिल्टर लगा हुआ है, वो ट्रैप करता है एक सर्टेन टेम्परेचर पर जाने के बाद पेंट को. तो यहाँ पर क्या है कि कोल्ड स्टार्ट जब गाड़ी होगी तो उस टाइम पर नॉक्स फिल्टर काम नहीं करता, उसको स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है एंड एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए नॉक्स फिल्टर को एक्टिवेट होने के लिए. सो कोल्ड स्टार्ट में यदि पोल्यूटेंट को ट्रैप करना है तो फिर आपके लिए एक दुविधा है. तो ये चीज़ नई इंट्रोड्यूस की गई है यहाँ पर बीएस 7 में कि नॉक्स फिल्टर या आपके जो नॉक्स पोल्यूटेंट है उसको कोल्ड स्टार्ट में भी ट्रैप किया जाए. दोनों एमिशन नॉर्म्स का डाटा आपकी इजीनेस के लिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा. ये तो हुई है टेल पाइप एमिशन की बात. अभी आ जाती है बात कि इसके अलावा भी पार्टिकल्स निकलते हैं, वियर टीयर होता है तो वहाँ से भी पोल्यूशन होता है, लाइक आपका ब्रेक का, टायर का और रिफ्यूलिंग प्रोसेस एंड इंजन ऑयल वगैरह, इसके अंदर भी पोल्यूशन होता है. तो उसके लिए भी नए नॉर्म्स में जगह है. अभी जो नए टायर्स आएंगे, नए ब्रेक्स आएंगे, वो इस हिसाब से आएंगे कि वो अपना रेजिड्यू कम से कम छोड़े, और यदि वो रेजिड्यू कम से कम छोड़ेंगे तो आई थिंक उनकी लाइफ बेटर होगी. उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, डेफिनेटली आएगा. अभी ये तो थे आपके IC इंजन के लिए नॉर्म्स. व्हाट अबाउट EV? EV के लिए भी नॉर्म्स हैं अभी BS 7 में. और EV के लिए नॉर्म्स क्या है कि भाई आपकी बैटरी की ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, परफॉर्मेंस के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो. और इसके लिए नए रेगुलेशंस आएंगे जो एंटायर लाइफ साइकिल है EVs का उसको शायद इन्हेंस कर दे. बैटरी के अलावा EV के अंदर जो टीयर जो होता है टायर्स का, ब्रेक शूज का, ये भी ऑब्जर्व किया जाएगा लाइक ICE कार्स. तो कंक्लूजन ये है अभी कि BS 7 नॉर्म्स आने के बाद बहुत सा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा इंडस्ट्रीज के अंदर. आपकी शायद कुछ फेवरेट्स कार्स डीजल वाली डिसकंटिन्यू भी हो सकती हैं एंड आपको नए नए प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी.
BS7 नॉर्म्स का एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा? BS7 नॉर्म्स सिग्निफिकेंटली एनवायरनमेंट के अंदर टेल पाइप एमिशन को रिड्यूस करने वाले हैं। आई थिंक बाय 2030 यदि 25 में हम स्पेसिफिकली यदि हम स्टार्ट करते हैं तो बाय 27-28 हम फ्लैश BS7 में आ जाएंगे एंड बाय 2030 हमारा जो टेल पाइप एमिशन है हम उसको 30% तक रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि काफी एक बड़ा फिगर है। सबके अलावा एक टेल पाइप एमिशन पे कंट्रोल के अलावा भी आपको एनवायरनमेंट के प्रति सजग होने की जरूरत है, क्योंकि हम आने वाली जनरेशन को एक यही एक धरोहर है जिसको हम दे सकते हैं। बाकी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो तो डैमेज हो ही जाएंगी। आपके हाथ में बस ये है कि आप पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं और आप आपकी मशीन का पॉल्यूशन चेक, इसकी सर्विसिंग, ईवी है तो इसको टाइमली इसकी बैटरी की का चेंज होना, कुल मिला के आप अपनी मशीन को दुरुस्त रखिए। तो यदि आप मशीन को दुरुस्त रखेंगे तो डेफिनेटली पॉल्यूशन लेवल कम होगा, टेल पाइप एमिशन कम होगा और वियर टियर भी कम होगा। एक और चीज यहां पर इंट्रोड्यूस की गई है, एक्सटेंडेड कंप्लायंस पीरियड, विच मींस व्हीकल जो नए बन के आएंगे वो कंप्लाई करेंगे एमिशन स्टैंडर्ड के साथ फॉर 200,000 किलोमीटर और 10 ईयर्स। इसलिए इनके अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर भी जा रहे हैं। यस, यू हर्ड राइट, मैन्युफैक्चरर, कार मैन्युफैक्चरर इसके अगेंस्ट गए हैं यूरो 7 नॉर्म्स के। एंड बहुत से मैन्युफैक्चरर लाइक इटली से, जर्मनी से, इन्होंने यूरो 7 नॉर्म्स को बायकॉट कर दिया है। सो अब इंडिया के अंदर पता नहीं क्या होगा, बट भैया इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ए मैन्युफैक्चरर कि वो अपनी गाड़ियों को इन नॉर्म्स पर पूरा खरा उतार पाए। मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर दोनों के ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट आएगा। वैसे मैन्युफैक्चरर तो इडियटर होता है, उसको तो अपनी जेब से नहीं देना, लेकिन कस्टमर को तो डेफिनेटली आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा एंड ये आपकी जेब पर पक्का भारी होने वाला है। कॉस्ट कितनी बढ़ेगी या बर्डन कितना आएगा ये डिपेंड करेगा आपकी गाड़ी कौन सी है। पेट्रोल इंजन पर कॉस्ट इन्हेंस हो रही है, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, एंड डीजल इंजन तो शायद ही आपको बढ़ के मिले। मेरे हिसाब से पोटेंशियल्स हैं कि डिसकंटिन्यू हो सकता है। अभी तक सब कुछ आपको बताना कि मैं ये बोलूँ 1,00,000 रुपए बढ़ जाएगी, 2,00,000 रुपए, वो लाइक हवा में तीर मारने वाली बात है। सच्ची बात बता रहा हूँ, तुक्का मारने वाली बात है। लग गया तो तीर, नहीं तो भाई मार्केट ने चेंज हो गया, वो सब ड्रामा मैं नहीं कर रहा। एक्चुअली उसका कोई आइडिया नहीं है मुझे, इसलिए मैं कोई प्रोमिस नहीं कर रहा कि इतना बढ़ेगा, बट डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगा। एंड सेकेंड हैंड मार्केट का क्या हाल रहेगा? देखो सेकेंड हैंड मार्केट पूरी चेंज हो जाएगी, रीजन बिहाइंड लाइक जैसे दिल्ली NCR में अभी डीजल के लिए 10 साल की मारामारी है, एंड सेम वे अभी जयपुर में स्टार्ट किया कि कमर्शियल व्हीकल 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल बंद हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट कभी भी रूल्स ला सकती है कि भैया 10 साल के बाद आपकी कोई सी भी गाड़ी नहीं चलेगी। जैसे अभी दिल्ली में जनरली होता है ना, जब दिवाली के आसपास OD1 वाला चालू हो जाता है, और BS4 को तो अभी लास्ट ईयर ही रोक दिया था। BS4 यार अभी तो गया था, अब किसी के पास 2020 की 19 की एंडेवर है और उसको आप रोक रहे हो, तो मतलब नॉर्म्स कभी भी स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। सो आपकी जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ हैं वो भी ख़राब होके खड़ी हो सकती हैं नॉर्म्स के अगेंस्ट, तो आपको देखना पड़ेगा। इसलिए सेकेंड हैंड मार्केट भी टोटली डायलमा में ही रहेगी। जब प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं रहेगी तो सेकेंड हैंड में अब कोई क्रेजी बंदा ही होगा, जैसे जिसको कोई स्पेसिफिक कार पसंद होगी और वो चाहिए। लाइक अभी एंडेवर की डिमांड कितनी है, हालांकि फोर्ड है नहीं लेकिन एंडेवर की डिमांड अभी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करेगा कि उसके बाद मतलब डिसकंटिन्यू होने के बाद उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, तो प्राइस वगैरह भी उसी हिसाब से चेंज होता रहेगा। एंड उसके अलावा भी काफ़ी बहुत सारे फैक्टर हैं, डिमांड है, गवर्नमेंट के रूल्स हैं जैसा मैंने पहले बताया, तो ज़्यादा मतलब पॉजिटिव साइड आप नहीं देखेंगे। सो वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। एंड अपने स्ट्रिक्ट रूल आने चाहिए आप या नहीं आने चाहिए, रियल टाइम एमिशन को मॉनिटर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, आपकी क्या राय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप टू व्हीलर चलाते हो हेलमेट का प्रयोग और फोर व्हीलर चलाते हो सीट बेल्ट का प्रयोग करना ना भूले। सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो, टेक केयर, बाय, जय हिंद।